Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat, no heavy bags. महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने एक बहुत ही अहम खुलासे किए आर्यन खान के केस, कहा ये एक षड्यंत्र है शाहरुख खान के ख़िलाफ़। क्योंकि बहुत दिनों से एक न्यूज़ पहल रही थी क्राइम रिपोर्टर्स के बीच के आर्यन नेक्स्ट टारगेट होंगे, और साथ ही कहा जो आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस लेके गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना ही एनसीबी के ऑफिशियल्स। आइए सुनते हैं ये बयान। बड़ा है, पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है, अगर कुछ पत्रकार अंदर उनका जमीर है तो हमें लगता है पत्रकारों को ये जानकारी है। हाँ, सर्कुलेट किया है, नहीं बोलते हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगला टारगेट शाहरुख खान होने वाला है। पिछले एक महीने से ये खबरें सर्कुलेट की जा रही थी। किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और ज़रूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूस पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है, या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीपी कहती है कि ये एनसीपी का अधिकारी नहीं है तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीपी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए, अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी के एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है, और मनीष भालूशाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है। भारतीय शहरे हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड स्मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए राब्ता करें 9290127152।
या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।